अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आली बखैर होंगे। आज का जो ये अमल है, ये मोहब्बत का फरमाइशी अमल है। इस तरीके से लोग फरमाइश करते हैं, तो ये फरमाइशी अमल है। बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की थी कि मुझे मोहब्बत का कोई आसान और पावरफुल अमल बताया जाए, तो आज मैं आपके लिए मोहब्बत का आसान और बहुत ही पावरफुल अमल लेकर के हाज़िर हो गया हूँ। आप जो ये अमल देख रहे हैं, ये मोहब्बत का अमल है, बहुत ही पावरफुल अमल है और बहुत आसान अमल है। यह अपने प्यार को अपने बस में कैसे करें, इस तावीज़ के ज़रिए से हम आपको आज बताएंगे कि आप अपने प्यार को अपने बस में कैसे करें जायज़ काम के लिए। मसलन अगर आप उसे शादी करना चाहते हैं, उससे आप निकाह करना चाहते हैं, तो आप अपने प्यार को अपना कैसे बनाएं, किसी और की नज़र न लगने पाए। अगर आपके प्यार के ऊपर किसी और की नज़र लग गई है, कोई आपके प्यार को ले कर चला गया है, या किसी ने अपने प्यार में आपके प्यार को उलझा लिया है, या आपके महबूब का दिल किसी और से लग गया है, आपका महबूब आपको चीट कर रहा है, तो उसे अपने बस में कैसे करें। या अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी मोहब्बत में बेचैन हो उठे, तो फिर ये अमल आपको किस तरीके से करना है, इसी सिलसिले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। देखिए, ये जो नक्श आप देख रहे हैं, ये मोहब्बत का नक्श है, प्यार का नक्श है, बहुत ही पावरफुल नक्श है, या यूँ कहूँ कि ये एक तिलिस्म है। तिलिस्म ऐसा है कि जो बहुत पावरफुल है। इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको ब्लैक पेन लेना है और बिल्कुल सादा कागज़ लेना है। उसके बाद में आपको इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है, इस तरीके से। उसके बाद सबसे पहले आपको ये भरना है, ये पुर करना है, उसके बाद में ये पुर करना है, फिर आपको ये पुर करना है, फिर आपको ये पुर करना है, फिर आपको इधर से इस तरफ से भरते चले जाना है, फिर इस तरफ से भरते चले जाना है, और ये जो बीच में जगह खाली है, इसको छोड़ देना है आपको, ठीक है। इसको नहीं भरना है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, ये जो जगह खाली है इसको छोड़ देना है। मैं आगे बताऊँगा कि इसको क्यों छोड़ना है। तो जब इस तरीके से बना ले, देखिए, इसकी इजाज़त हर उस बंदे को है जो मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है, उस बंदे को इजाज़त है, मेरे सारे वीडियोस की सभी को इजाज़त है जो मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप भी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाएं। तो फिर इस तरीके से नक्श बना लें, तैयार कर लें। उसके बाद में आपको अपने महबूब का नाम नीचे लिख देना है, जिसके लिए आप चाहते हैं, सिर्फ उसका नाम लिखना है, आपको अपना नाम नहीं लिखना है। यहाँ पर लिखना है, हिंदी में लिखेंगे, अंग्रेज़ी में लिखेंगे तो इधर से लिखेंगे, उर्दू में लिखेंगे तो इधर से लिखेंगे, हिंदी अंग्रेज़ी में भी लिख सकते हो, नाम लिख लें। उसके बाद में दिन में बना लें, किसी भी दिन बना सकते हैं, किसी भी वक्त बना सकते हैं। उसके बाद में करना कुछ यूँ है कि जब सूरज डूब जाए, मगरिब का वक्त हो, तो आपको तीन नक्श बनाने हैं, तीन नक्श जलाने हैं, उसी दिन जलाने हैं तीनों नक्श। करना कुछ यूँ है कि आपको नक्श लेना है और ये जो खाली जगह है इसको आपको गौर से देखना है। आप गौर से जब इसमें देखेंगे तो आपको आपके महबूब की नज़र चेहरा दिखेगा, आपके महबूब का चेहरा दिखेगा, आप जिसके लिए कर रहे हैं उसका चेहरा इसमें दिखेगा, इस खाली जगह पे। उसके बाद इस नक्श को जला दें, दूसरा नक्श जलाएं, आपको चेहरा दिखेगा, नहीं दिखे तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन चेहरा दिखेगा और एक झलक दिखेगी आपको। तीनों नक्श में से किसी न किसी में आपको एक झलक दिखेगी, और तीनों नक्श को पहले देखें यहाँ पे, फिर उसके बाद में जला दें, फिर देखें, फिर जला दें, फिर देखें, फिर जला दें। इस तरीके से तीन नक्शे जला देने हैं आपको। शक्ल 95% ये उम्मीद है कि आपको पूरी शक्ल दिख जाएगी, नहीं तो हल्की झलक तो आपको नज़र आ जाएगी। उसके बाद में आपको इस नक्श को जला देना है। इंशाल्लाह उसी दिन के बाद से आप जिसके लिए करेंगे उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, बेपनाह चाहत पैदा हो जाएगी और आपको चाहने लगेगा। ये मुख्तसर सा अमल था, आप इसे करके देखें। कोई मसला हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताएं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका मिसयूज़ ना करें। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।